नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते का बॉक्स ऑफिस पर कितना बुरा हाल हुआ है, इसके बारे में एक और एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुत्ते फिल्म ना तो पब्लिक को पसंद आई और ना ही क्रिटिक्स को पसंद आई। और दोस्तों, जिस प्रकार से अर्जुन कपूर ने जो स्टेटमेंट दिए थे, अपना बयान दिया था कि जो लोग बॉयकॉट का बॉलीवुड कर रहे हैं तो उनको एक सबक सिखाने की जरूरत है, हम सभी बॉलीवुड वालों को एक होना पड़ेगा, इस तरह के जो बयान दिए थे, उसके बाद में तो दोस्तों पहले से ही तय लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। और फिर इसमें नसीरुद्दीन शाह भी है, उनके वक्तव्य भी आप लगातार पढ़ते रहते हो, उनके बयान भी आप लगातार पढ़ते रहते हो, लेकिन एक बात है दोस्तों कि इस फिल्म की बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना बॉयकॉट के ही ये फिल्म इतनी बुरी तरह से डिजास्टर बॉक्स ऑफिस पर हुई है कि इसको देखने के लिए पब्लिक गई ही नहीं। तो दोस्तों, ये कुत्ते इस तरह के कुत्ते हुए एक तरीके से, जो केवल भौंकते हैं, काटते नहीं है। मतलब कि बॉक्स ऑफिस पर कहते हैं ना कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ देगी, बॉक्स ऑफिस को काट देगी, इतना कलेक्शन करेगी। तो ये कुत्ते जो फिल्म बनाई गई है इन्होंने, ये दोस्तों केवल भौंकने का ही काम इन्होंने किया, काटने का तो बिल्कुल भी नहीं किया। और भौंकने की भी इनकी आवाज दूर तक गई नहीं, केवल थिएटर्स में ही गूंज करके रह गई, और वो भी बिना पब्लिक के। पब्लिक थी ही नहीं थिएटर्स में, पहले दिन से ही फिल्म का वर्डिक्ट तय हो गया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी। और दोस्तों, करीब 1500 से 2000 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद ये फिल्म जिस प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर ऑन दे मुंह गिरी है, और इस साल की 2023 की बॉलीवुड की पहली फिल्म थी और पहली सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म ये बॉक्स ऑफिस पर साबित हो चुकी है। अब शायद बॉलीवुड वाले कुछ सबक सीखे तो अच्छा होगा, बाकी उन्होंने सारी उम्मीदें फटान पर टिका रखी है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में आपको बताऊं, पहले दिन मात्र 1.07 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया, और दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और दोस्तों फिल्म का कलेक्शन आया 1.22 करोड़ रुपीज इंडिया नेट। तीसरे दिन संडे होने के बावजूद, कल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, संडे होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की बजाय बुरी तरह से गिरा, और दोस्तों फिल्म का कल कलेक्शन आया मात्र 1.06 करोड़ रुपीज इंडिया नेट। इससे बुरा क्या हो सकता है कि संडे की छुट्टी होने के बावजूद फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की बजाय ड्रॉप हुआ है। और दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज फिल्म का कलेक्शन और भी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। कल 13% के करीब ड्रॉप हुआ था, आज तो और भी ज्यादा ड्रॉप होगा, और आज करीब 40-45% के करीब फिल्म का कलेक्शन ड्रॉप होने वाला है, और करीब 70 लाख के आसपास ये फिल्म आज कलेक्शन कर सकती है। 60-70 लाख रुपए के आसपास इसका कलेक्शन आप आज आज आने वाला है। तो दोस्तों, प्रथम 4 दिनों का इसका टोटल कलेक्शन होगा लगभग 4.05 करोड़ रुपीज। अगर 70 लाख रुपए आज कलेक्शन आता है तो 4.05 करोड़ रुपीज, तो आप ये मान लीजिए कि 4 दिनों का कलेक्शन है फिल्म का 4 करोड़ रुपए, जिसका ग्रोस होता है करीब करीब दोस्तों, आप मान लीजिए 4.5 करोड़ रुपए के आसपास ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का अभी तक हुआ है। 50 करोड़ रुपए फिल्म का बजट है, तो डिजास्टर साबित होने में इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। अब बाकी फिल्मों के लिए चैलेंज इसने एक डाल दिया है कि मुझसे भी बड़ी डिजास्टर होकर दिखाओ, ये एक चैलेंज इसने जरूर डाल दिया है, क्योंकि यह कलेक्शन अब मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म अब 10 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, 10 करोड़ भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10 करोड़ भी अगर ये लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे हिसाब से 7-8 करोड़ पे अटकने वाली है, इससे ज्यादा इसका कलेक्शन आने वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई में अब केवल इस फिल्म के 264 शोज बचे हैं, केवल 264 शोज, और पठान आ रही है, गांधी गोट से एक युद्ध आ रही है, और बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो लगता नहीं ये फिल्म 2-4-5 दिनों से ज्यादा थिएटर्स में टिकने वाली है। मुझे भी शायद 1 हफ्ते के बाद में इस फिल्म का कलेक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिल्म का वर्डिक्ट ऑलरेडी तय हो चुका है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।